खुशियां मनावो सैयदे अबरार आ गए। अरे पढ़ लो दुरूद मोमिनो सरकार आ। सारे पुराने नोट से करना समझौता, नया नया हर पीस उठा कर ले जाओ। शायर के पैसे में बरकत होती है, दस रखो और पीस उठा कर ले जाओ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पढ़ रहे थे और दिल में यही सोच रहे होंगे अजीज भाई, अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि नोटों की गर्मियों से धागा सिमट न जाए, नोटों की गर्मियों से धागा सिमट न जाए, जब इस बात की है कहीं थैली फट न जाए। माशाल्लाह ये सुन्नियों का जज्बा है। लोग लॉकडाउन लगाकर ये सोच रहे थे कि अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो सुन्नी अपने नबी की महफिल सजाना बंद कर देंगे, लेकिन देखिए मुसलमानों का जज्बा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि चाहे एएम हो या पीएम कभी बंद नहीं होता, चाहे एएम हो या पीएम कभी बंद नहीं होता, सुन्नी का एपीएम कभी बंद नहीं होता। माशाल्लाह और इसीलिए इसी जज्बे को आप इसी जज्बे को देखकर शायद कहता है कि घर पे जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, घर पे जो परचमे अब्बास सजा देते हैं उनकी बख्शी के लिए फरिश्ते भी दुआ देते हैं। जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले उतनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले उतनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। पहले तो दूध मदीने की गिरा लेते हैं, पहले तो दूध मदीने की गिरा लेते हैं पर यही बैठ के पीने का मजा लेते हैं, पहले तो दूध मदीने की गिरा लेते हैं फिर यही बैठ के पीने का मजा लेते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में आप हजरात ने नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाप्त किया। अब आप हजरात एक बेहतरीन खिताब समाप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हजरात उनके आने से पहले पूरी तरह बेदार हो जाए। आपकी बेदारी के लिए मैं जो शेर आप हजरात तक पहुँचा रहा हूँ एक मरतबा जो हाथों को उठा के बोलते हैं सुभान अल्लाह, शायर कहता है उफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, उफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, मेरे सरकार ना आते तो खुशहाली नहीं होती, उफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, मेरे सरकार ना आते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की लोगों मेरा ईमान कहता है, कसम अल्लाह की लोगों नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। एक बच्चा जो हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, और थोड़ा बड़ा आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और थोड़ा बड़ा आवाज से बोले सुभान अल्लाह। जो कौर है दुनिया का उसी तेज से बोले, पहले तो इलाका है जरा जोर से बोले, और बड़ा आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और थोड़ा बेदारी पैदा करे और बड़ा आवाज से बोले सुभान अल्लाह। बहुत ही बेहतरीन खिताब समाप्त कर रहा है, पूरी तरह से आप हजरात अपने आप को बेदार रखें और आप हजरात इंशाल्लाह इनके खिताब को सुनेंगे और अगर उस पर आप अमल कर लेंगे तो आपकी दुनिया भी कामयाब नजर आएगी और आपकी आखिरत भी कामयाब नजर आएगी। और आप हजरात अपने जहन को बिल्कुल हाजिर करके सुने, आप हजरात पूरी तरह से बेदार होकर सुने, इसलिए कि अगर आप बेदार नहीं रहेंगे तो हजरत बोलेंगे कब आप समझेंगे ज्यादा। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हम लोग जो है ईद मौली की सजमीन पर प्रोग्राम में जा रहे थे, रात का वक्त था, पेट्रोल टंकी पर गए, हमने कहा कि 50 रुपए का तेल डाल दो, उसने 350 का तेल डाल दिया, इसलिए कि उसके ऊपर नींद तारी थी, हमने कम कहा वो ज्यादा सुना। आप हजार अगर बेदार नहीं रहेंगे तो मामला उल्टा हो जाएगा। एक जगह प्रोग्राम में एक मौलाना साहब को बुलाया गया, उन्होंने तकरीर की कि भाइयों मिसवाक किया करो, मिसवाक करना ये रसूल की सुन्नत है। सुबह हुई एक आदमी कहने लगा, अरे यार तुम लोग कैसे मौलाना को बुला लाए, ये तो कह रहे थे कि बकवास करना सुन
में थे, लोगों ने कहा पागल तुम चाय सो रहे थे, उन्होंने बकवास नहीं बल्कि मिसवाक कहा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मिसवाक को बकवास समझ ले, आप हजार पूरी तरह से बेजान रहे। एक मैं तो और बात आवाज से बोल रही सुभान अल्लाह, हमारे इस आखिरी खतीब को मैं आपके हवाले करूँ, इनकी आमद से पहले आप उसका एक बार आवाज द्वारा लगा ले और जो दौर इनका इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, बस्म के आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो एक चराग जो तरह दिखाई देता है, वो एक चराग जो तरह दिखाई देता है, बहुत उजाला उसी का दिखाई देता है। मैं उस जमीन पे आंखों को छोड़ आऊंगा जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है।